नकल राज है। बिहार की जनता डिसाइड करेगी 2024 में 2025 में। बड़ी स्टेटमेंट आ रही है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने जो बयान दिया है वो बहुत जोरदार है, बहुत बड़ा बयान है। कैलाश विजयवर्गीय ने नीतीश कुमार की तुलना करी है और तंज किया है कि विदेशों में जैसे लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड बदल लेती हैं, जैसे अपने बॉयफ्रेंड बदल लेती है वैसे ही वो गठबंधन बदल लेते हैं। एग्जैक्टली क्या कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने, आपको हम सुना देते हैं। बड़ा तंज कसा है नीतीश कुमार पर, पहली बार खुल के बीजेपी बोल रही है। बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की तो बोले बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पोजीशन है, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। जब आप माधव आनंद उन्होंने बोले मैं अभी कुछ दिन पहले विदेश गया हुआ था, देखिए अब वहां पर उन्होंने इसकी तुलना करी है। जवाब माधव आनंद, देखिए मैं क्या कहा कि बीजेपी से मैं, हम लोग आशा भी नहीं कर रहे हैं, बीजेपी को बोलना है बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है, हम लोग बिहार वासियों की सेवा में लगे हुए हैं। ये कैसी सेवा हो रही है, मुख्यमंत्री जी का है और तेजस्वी जी का, उस कैसी सेवा हो रही है, हत्या करके। अब विपक्ष से आप क्या आशा कर सकते हैं कि विपक्ष मेरा गुणगान गावे, बिल्कुल क्यों गुणगान गाएगा मेरा भाई, ठीक है क्यों गुणगान गाएंगे, सत्ता से बाहर है आप, माधव उनकी बाहर दिखाई पड़ रही है, उनको बोलने पड़ता है। बिहार की जनता से हम लोग सर्टिफिकेट चाहिए, बीजेपी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात है, आपने बोला कि बीजेपी हमारा गुणगान नहीं करेगी। एग्जैक्टली आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं, बीजेपी आपको गुणगान नहीं करेगी। बिहार की जनता की हम सेवा कर रहे हैं, हत्या करवा के सेवा करवाई जा रही है, एक जवान को मार दिया गया सेवा करवाई जा रही है, एक मंत्री जिसको सरेंडर करना चाहिए था वो कानून मंत्री बन गया है, बिहार के कानून मंत्री वो है, कानून जिसकी तलाश कर रहा है, बिहार की सेवा कराई जा रही है, जिसने चावल घोटाला करा उसको मंत्री बनाकर बिहार की जनता की सेवा कराई जा रही है। ये कैसी सेवा है जिसके अंदर मेवा जनता को तो नहीं है। मैं बता दूं, देखिए अमीश देवगन जी, आपराधिक घटनाएं कहीं भी घटित होती है सबको पीड़ा होती है, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल, चलिए आपकी ये बात भी मानी, लेकिन मुझे बताइए अनंत सिंह कैसे छुट्टा घूमता रहा। अरे देखिए माधव अनंत सिंह कैसे छुट्टा घूमता रहा जब उसको कोर्ट में पेश होने के बाद जेल जाना चाहिए था, कैसे खुला घूमा वो, प्रशासन में डर क्या था, पुलिस ने क्यों नहीं उनको अरेस्ट करके सीधा लेके गया, कोई और जाएगा अब कोर्ट में पेश होगा और छुट्टा चला जाएगा अपने घर और चला जाएगा गेस्ट हाउस, अनंत सिंह कैसे गया, जवाब दीजिए। देखिए उसमें पूरी रिपोर्ट आ गई है, जो भी पुलिस इसमें सम्मिलित थे उस पे उनको भी उस पे भी कार्रवाई हो चुकी है। पर ये क्यों और हुआ? जो घटनाएं घटी है जो उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन अगर ये दो घटनाओं को लेकर बिहार के लिए परसेप्शन आप पूरे देश में, परसेप्शन नहीं है, सच है, गलत बात। अगर देखिए ना माधव भाई, परसेप्शन नहीं, अगर मैं एक बात भी झूठ बोल रहा हूँ, अगर मैं एक बात भी गलत बोल रहा हूँ तो मुझे पकड़िए। अनंत सिंह छुट्टा घूमा, कोर्ट में पेश होने के लिए आया, अपने घर चला गया, चल रहे हैं विकास के राह पे चल रहे हैं, और हम लोग के लिए कैसा विकास है जिसमें विकास का विकास हो रहा है, और हम लोग उस गुंडे का विकास हो रहा है, आगे भी करते रहेंगे, उस हत्यारे का विकास हो रहा है, निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने, क्या लॉ एंड ऑर्डर है जिसमें लॉ मिनिस्टर पे आरोप है, ले रही है जिसमें लॉ मिनिस्टर को सरेंडर करना है। आप सोच रहे हैं बिहार को कहां लेके जा रहे हैं, एक डर और खौफ का माहौल हो जाएगा जब प्रशासन ये काम कर रहा है, जब पुलिस कह रही है छुट्टा घुमा रही है अनंत सिंह को, अनंत सिंह को 4 दिन के लिए खुला छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा, अनंत मोहन सिंह को 4 दिन के लिए खुला छोड़ना बहुत भारी पड़ेगा। क्या आपको लगता नहीं है, आप कह रहे हैं सुशासन, आपकी बात को मैं ऊपर रखता हूं माधव आनंद साहब, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति कोर्ट में पेश हो, अपराधी, मर्डर का आरोपी, गुंडा, गैंगस्टर, और वो सीधा अपने घर चला जाए? आपने देखा है ऐसा उत्तर प्रदेश में होता हुआ? आपने देखा है ऐसा किसी और राज्य में होता हुआ? मुख्तार अंसारी कोर्ट में पेश हो और बाहर चला जाए, हो सकता है क्या? अमीश देवगन जी,
कहीं भी पूरे देश में अगर इस तरह की कहीं भी घटना होती है तो निश्चित रूप से चिंता की बात है। मैं उत्तर प्रदेश से तुलना नहीं करना चाहता हूँ, किसी अन्य प्रदेश से तुलना नहीं करना चाहता हूँ, आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कहीं भी इस तरह की पूरे देश में घटनाएं घटित होती है तो वो चिंता का विषय है। जब आनंद मोहन सिंह काम करेगा जो लोग भी दोषी हैं तो बच्चों की हत्या ही होगी, कार्रवाई मैसेज गलत जाता है, भी कार्रवाई होगी। लेकिन आप एक घटना को लेकर बिहार के बारे में एक घटना नहीं, मैंने 10 घटनाएं गिराई है सर, मैंने एक घटना पे चर्चा नहीं करी है, मैंने 10 घटनाएं गिराई है। मैं अपना होमवर्क पूरा करके आता हूँ सर, बड़ा चैनल में माना जाता है और बड़े चैनल 8 दिन की सरकार में 16 घटनाएं कोशिश कर रहे हैं कि पूरा बिहार में जंगल राज आ गया। अरे 4 दिन पहले कोई था, कुछ था नहीं और आज जंगल राज आ गया। मुझे अनंत मोहन सिंह का घूम रहा था छुट्टा, कोशिश नहीं कीजिए, ये देश के लिए घातक है। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपका सामने गौरव भाटिया, गौरव भाटिया जो सच्चा है, आप गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, गौरव भाटिया ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, गौरव भाटिया थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। आंसर माय क्वेश्चन, क्या कोई अपराधी कोर्ट से सीधा घर जा सकता है, उसको कोर्ट में पेश करने लेके आई हो पुलिस? कैन दिस हैपन? अमित जी, इसी को जंगल राज कहते हैं, कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। और दूसरी बात, आप सोचिए जिस व्यक्ति का वारंट हो, जिसको कोर्ट में पेश होना हो, वो मंत्री पद की शपथ ले रहा है और मुख्यमंत्री की नाक के नीचे ले रहा है, इसी को जंगल राज कहते हैं। और एक बात, बड़ा संदेश आपके चैनल के माध्यम से दे दूं, यहां शुभ्राष्टा बैठी है, हमारी साथी हैं, बिहार में भी ये लोग प्रयास करते हैं महिलाओं को, बच्चियों को डराएं और वो घर में रहे डर से। नहीं, भारतीय जनता पार्टी हर उस महिला और बहन के साथ खड़ी है, और जो गुंडे हैं जो डराने का काम करते हैं वो जेल जाएंगे। महिला जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मजबूत होंगी, सशक्त होंगी, और एक शुभ राष्ट्रा 100 ऐसे गुंडों पे भारी है जो डराने का प्रयास कर रहे हैं। और एक बात मैं और कह दूं, शक्ति यादव कुछ रिप्लाई करना चाह रहे हैं, एक सेकंड गौरव भाटिया, गौरव भाटिया होल्ड ऑन, शक्ति यादव लगातार कुछ बोलना चाह रहे हैं, रिप्लाई करना चाह रहे हैं। शक्ति यादव, आनंद मोहन सिंह का छुट्टा घूमना कैसे हुआ, प्रशासन पे किसका दबाव था? बीजेपी कह रही है कि सीधा यादव परिवार का दबाव था इसलिए ये हुआ। अमित देवगन जी जिनके कंधे पे जिम्मेदारी थी उनको ले जाने की, जिसने नेग्लिजेंसी बरती है उस पर शासन ने कार्रवाई की, सवाल नंबर एक। और कार्रवाई होता रहेगा, जो कानून तोड़ेंगे, जो बचाएंगे वो भी कार्रवाई के पात्र बनेंगे, और जो फंसाएंगे वो भी कार्रवाई के पात्र बनेंगे। अभी हमारे साथी गौरव भाटिया जी ने कहा कि महिलाओं का सम्मान, आपके बीजेपी के प्रवक्ता ने महिलाओं का सम्मान किया, 18 में पीड़िता गई देने के लिए, किसके अधीन है दिल्ली की पुलिस? अरे कौन है, किसका नियंत्रण है? FIR तक नहीं लिया गया, जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया तब कल से सुर्खियां भी हल्की फल्की दिखाई पड़ रही है, चले हैं महिला का सम्मान करने के लिए। रूपम पाठक को क्या हल किया आपके लोगों ने, किन किन लोगों को मंत्री बनाया? मैं इस टेलीविजन पर मैं अगर बोलूंगा तो मैं बताता हूँ, बेनकाब हो जाइएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, किन किन लोगों ने बचाया है। मैं ये कहना चाहता, देश 29 हत्या इसी राज्य के अंदर प्रतिदिन हुआ, मेरे पास डाटा है, एक चीज है मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ, उसमें जंगल राज याद नहीं आ रही थी। मैं मानता हूँ कानून तोड़ने वाले अगर कानून तोड़ेंगे, अगर कोई सरकार आनंद मोहन सिंह को किसके इशारे पर, आप देखिए ये सामान्य बात नहीं है, आनंद मोहन सिंह एक अपराधी है, गैंगस्टर है, गुंडे है, मर्डर के आरोपी है, और उस गुंडे बदमाश को कोर्ट से घर जाने की अनुमति मिल गई कैसे? मैंने कब कहा 2 दिन की घटना है, सरकार कैसे हो सकता है ये? जब जिन लोगों ने आप जितना शक्ति जी आपके लिए सामान्य बात होगी, लेकिन ये देश के लिए सामान्य नहीं है, पूरी रफ्ते आ गई है। ओके शुभ्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है, शुभ्राष्ट्रा क्या ये सामान्य बात है? आनंद मोहन सिंह चला जाता है, मैं फिर पप्पू यादव के पास जा रहा हूँ, शुभ्राष्ट्रा सामान्य बात है ये, जिस सामान्य ढंग से कहा जा रहा है कि आरोपी पे कार्रवाई हो गई, इसी चीज को सामान्य बना दिया गया। बिहार में ऐसी घटनाएं इतनी नॉर्मलाइज हो गई, 1990 की मैं बात कर रही हूँ, 1990-2000 के शुरुआत। अरे ये तो मैं अभी की आनंद मोहन की बात कर रहा हूँ, अभी की बात करो, 4 दिन पहले की। सब्जी लेने जाता है, सब्जी के साथ घलुआ मिलता है, उस तरीके की स्थिति हो गई। मैं एक दूसरी बात करना चाह रही थी, लगातार जो पैनल में बहस हो रही है, नीतीश कुमार थे पहली बार जब उनकी सरकार बनी, उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा के लिए कितने काम नहीं किए। नीतीश कुमार जी का पराभव तब शुरू हुआ है जब इन्होंने RJD के साथ हाथ मिलाया, और उसके बाद आप देखिए लगातार कांड पर कांड। ठीक है पप्पू यादव,
आज मैं पप्पू यादव, पप्पू यादव क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने जो कमाया पॉलिटिकली वो सब गवा रहे हैं, क्योंकि उनको सुशासन बाबू का नाम दिया जाता था, लेकिन बीते 8 दिनों में जो कुछ हो रहा है दैट इज डेंटिंग हिज पर्सनैलिटी? दैट इज माई स्ट्रेट क्वेश्चन टू पप्पू जी। सर आनंद मोहन जी, गुंडा या मोबाली तो बीजेपी ने समझौता तो उसी वक्त किया था, तब गुंडा नहीं थे। या जो बिहार में यूपी में जिसके बलात्कार हुए, जिस एमएलए पर सजा हुई फिर उसको मार दिया एनएच पर, तो क्या आनंद मोहन सिंह पर वो बीजेपी के अगर गुंडा नहीं है तो आनंद मोहन सिंह क्या है? वो तो गैंगस्टर है। नहीं, मैं बिल्कुल गुंडा हो सकते हैं आपके है, अनुसार सकते नहीं है। मैं कुछ आनंद मोहन सिंह मैं मर्यादा नहीं लांगूंगा, लेकिन क्या बीजेपी ने गुंडों से समझौता किया था? क्या बीजेपी ने अपराधी से समझौता किया था? पप्पू जी, क्या बीजेपी ने 32 सीट अपराधी को दिया था? अरे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने अगर किया तो गलत किया, लेकिन छुट्टा वो इनके राज में घूम रहा भाई। क्या होम आनंद मोहन सिंह गुंडा है? पहले तो उसे गुंडा बोलना सीखे लो। योगी जी पर डरते क्यों है? केस नहीं हुए थे आप क्या 37%? अरे आनंद मोहन सिंह मर्डर कन्विक्ट है पप्पू जी। क्या यहाँ पर जिन आनंद मोहन सिंह मर्डर कन्विक्ट है पप्पू भाई, केंद्रीय मिनिस्टर में आपराधिक पृष्ठभूमि की नहीं है? अरे आपराधिक पृष्ठभूमि मर्डर है आनंद मोहन देना चाहिए। आनंद मोहन सिंह मर्डर है, ये गलत है। आनंद मोहन जी का निकलना, आनंद मोहन जी का घर जाना अरे जी का है के गलत है। आनंद मोहन मर्डर का आरोपी नहीं, मर्डर का कन्विक्ट आनंद मोहन गलत है। लेकिन आनंद मोहन जी को बीजेपी आनंद मोहन बोलिए जी, नहीं आनंद मोहन बोलिए बीजेपी। अरे बीजेपी एक सेकंड, मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूँ, गौरव भाटिया से मैं जवाब ले लेता हूँ, 10 सेकंड के अंदर जवाब ले लेता हूँ, लेकिन समय नहीं है मेरे पास। आनंद मोहन सिंह मर्डरर, जी का है का वो हत्यारा, लोगों को डराने वाला, और उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। फिलहाल आर पार में इतना ही, लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि सुशासन दिखाने से दिखता है। जब अपराधी कोर्ट से सीधा घर चला जाएगा, सरकारी गेस्ट हाउस में बैठकर चाय पिएगा, खाना परोसा जाएगा, पकवान खाएगा, तो मैसेज यह जाएगा कि अपराधियों पर कोई लगाम नहीं है, और जब अपराधियों पर लगाम नहीं होगी तो फौजी मारे जाएंगे, बच्चियां मारी जाएंगी, और तब बोला जाएगा कि यह प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। प्रोपेगेंडा नहीं, यह स्पष्ट बातें हैं जो सामने आ रही हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।